हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग यूनिट 17 आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपका 2023 में जो नया हमारा सिलेबस ऐड किया हुआ है उसी में आपका ये वाला चैप्टर भी इंक्लूड है। कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस, चैप्टर का नाम है कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस। तो इसमें पूरे चैप्टर में मेन डिटेल किसके बारे में होगी कि किस तरह से कस्टमर को जो है बैंक सर्विसेज देता है, और कस्टमर कंप्लेन को लेके, एटीएम को लेके, और काउंटर पे किस तरह से सर्विसेज दी जा रही है। ठीक है, अगर कस्टमर को कोई इशू है तो उसको लेके किस तरह से आप रिड्रेसर कर रहे हैं, कस्टमर की कंप्लेन को किस तरह से जो है रिप्लाई कर रहे हैं, तो उस सबको लेके। चैप्टर बहुत ईजी है और इसमें कुछ डिफिकल्ट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बस एक रीडिंग करते चाहिए उस तरीके का ही चैप्टर। इंट्रोडक्शन से देखते हैं पहले। कस्टमर सर्विस इज द एक्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ पर्सन बाय प्रोवाइडिंग एंड डिलीविंग द सर्विस इन ए प्रोफेशनल मैनर। तो कस्टमर सर्विस का मतलब है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरतें हैं, उनको पूरी करना प्रोफेशनल मैनर में, उनको सर्विसेज देके। और सर्विसेज कैसे होनी चाहिए? प्रॉम्प्टली, मतलब जल्दी आपको सर्विसेज देनी, पोलाइटली, मतलब कस्टमर से बहुत रूड होकर नहीं बात करना, पोलाइट वे में करना है। एंड रिलेट टू सर्विस प्रोवाइडेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश। तो सर्विस देने से पहले, देने के दौरान और उसके बाद जो है एक अच्छा रिलेशनशिप कस्टमर के साथ एस्टैब्लिश इसमें होता है। और एक अच्छी कस्टमर को अगर आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो ये आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम करता है। किस तरह से? क्योंकि अगर एक कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विसेज मिलेगी और पोलाइट वे में सारी चीज़ें आप कस्टमर से डील कर रहे हैं, तो वो और बाकी जो कस्टमर्स हैं उनको भी लेके आएगा। तो ये एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे बैंकों की जो है काम करता है। आरबीआई ने जो है एक 6 मेंबर की कमेटी को सेटअप किया, और उसके जो हेडिड थे वो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर बीपी कनगो थे। तो उन्होंने जो है कस्टमर की सर्विस के स्टैंडर्ड को लेकर रिव्यू किया। ठीक है, और मई 2022 में जो है इसके बारे में उन्होंने रिव्यू किया, और कमेटी ने देखा कि एफिशिएंसी, एडिक्वेसी एंड क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस किस तरह से बैंकों में दी जा रही है, और उसके कंपेरिजन में जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो किस तरह से। तो उसमें जो गैप है, मतलब आरबीआई ने जो जो गाइडलाइंस दी है उस गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक किस तरह से कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको रिव्यू करने का काम इस कमेटी का था। और एनी सजेशंस अगर चाहिए हो ताकि कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सके, तो ये जब चीज़ें थी ये कमेटी के द्वारा देखी गई थी। द कमेटी ऑल्सो रिव्यू द इवोल्यूटिंग नीड्स ऑफ कस्टमर सर्विस लैंडस्केप। तो कमेटी ने इस चीज़ को भी देखा कि कस्टमर की सर्विसेज मतलब कहाँ कहाँ पर उनको दी जा सकती है, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल। जैसे आजकल डिजिटल का टाइम है, आजकल सारी चीज़ें लोग ऑनलाइन डिजिटली करना पसंद कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग या इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट या डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके रिगार्डिंग भी सजेशन जो है इस कमेटी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बस बेसिक हमने कस्टमर सर्विसेज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर सर्विसेज इन बैंक। बैंकिंग इज हाईली रेगुलेटेड, जो है बैंक क्या है, एक तरीके की सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक है, और आरबीआई हैज नॉट लेफ्ट कस्टमर सर्विस इन द बैंकिंग इंटायरली टू द मार्केट फोर्स। तो सिर्फ मार्केट के हिसाब से आरबीआई ने बैंकिंग सर्विसेज को नहीं रखा है, एंड हैज इश्यू इंस्ट्रक्शंस। बैंकों को इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं ऑन सर्टेन की एक्सपेक्ट्स, ऑल्सो सर्टेन इनिशिएटिव इन रिस्पेक्ट कि कस्टमर सर्विस के लिए बैंकों को क्या क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, तो वो सब चीज़ को लेकर आरबीआई ने जो इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। कस्टमर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से फ्रेमवर्क होना चाहिए, कौन कौन सी कोई कमेटी ऐसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। आरबीआई हैज एम्फेसिस दैट मैटर रिलेटिंग टू कस्टमर सर्विस शुड बी डिलीवरेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नीड टू रिव्यू कस्टमर सर्विस। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको जो है रिव्यू करना चाहिए, जो बोर्ड है उनको देखना चाहिए कि कस्टमर सर्विस किस तरह से दी जा रही है। सो ए डिटेल मेमोरेंडम शुड बी सबमिटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वंस एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने में जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन की किस तरह से जो है कस्टमर सर्विसेज दी जा रही है ब्रांच में, वो सब चीज़ें जो है आपको बोर्ड को सबमिट करनी चाहिए। और अगर हम इंस्टीट्यूशन सेटअप की बात करें तो 4 मिनिमम होने चाहिए। कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ बोर्ड ये पहला है, फिर स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर ये दूसरा, तीसरा आता है ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी, और चौथा और लास्ट है आपका नोडल डिपार्टमेंट या ऑफिस फॉर कस्टमर सर्विस। सो इन चारों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला आपका आता है कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ बोर्ड। आपका ये जो 4 हमने यहाँ पे नाम देखे थे ना, अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या किस तरह से काम करता है। तो पहला आता है कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ बोर्ड। तो ये क्या है? बैंक का रिक्वायर्ड टू हैव अ कस्टमर सर्विस। तो बैंकों का एक कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ बोर्ड होना चाहिए, इसको शॉर्ट में आप CSSB भी बोल सकते हैं। टू विच एक्सपर्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टमर शुड बी इन्वाइटेड टू इनेबल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड असेस द कंप्लाइंस। तो मतलब पॉलिसी को बनाने के लिए कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव जो कि कस्टमर के जो है प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्सपर्ट्स जिसको पॉलिसीज के बारे में आइडिया होगा। तो ये सभी मिलके जो है ये कमेटी ऑफ बोर्ड पूरा होगा, और इसमें पॉलिसीज बनाई जाएंगी और कंप्लाइंसेस देखे जाएंगे, और अगर कोई इंप्रूवमेंट करना है ताकि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बढ़ाया जा सके, तो वो सब चीज़ें भी ये टेक केयर करेंगे। और
और ये जो कमेटी है शुड ऑल्सो प्ले प्रोएक्टिव रोल विद रिगार्ड टू कंप्लेन ग्रीवेंसेस रिजॉल्व। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या करता है, कोई कस्टमर का कोई क्वारी है तो कोई कंप्लेन है, पहले वो 1 महीना बैंक को कस्टमर कोई कंप्लेन है तो बैंक को भेजेगा, फिर 1 महीने का वेट करेगा, उसके बाद वो बैंकिंग ओम्बड्समैन को भेजेगा। अगर फिर भी उसके रिजॉल्व नहीं होता तो उस चीज को लेकर भी जो है कमेटी में बात की गई है। तो कस्टमर सर्विस कमेटी क्या होगा, ये स्पेशली कस्टमर को लेकर पॉलिसी बनाएगी, सर्विसेज को लेकर, जो कस्टमर को बैंक सर्विस से तो उसको लेकर पॉलिसी बनाने का काम ये कमेटी करेगी। दूसरा आपका आता है स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस। अब हम स्टैंडिंग कमेटी के बारे में देखेंगे। द कमेटी ऑन प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज रिकमेंडेड दैट बैंक हैव ए परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर। तो बैंकों की एक परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए कस्टमर सर्विसेज को लेके, दैट शुड बी आर डेडिकेटेड फोकल पॉइंट्स फॉर कस्टमर सर्विस एंड हैव सफिशियंट पावर टू बिलेट। तो इसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसका एवेल्यूशन कर सके। दिस कमेटी कटिंग अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट कैन सर्व एज ए माइक्रो लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो माइक्रो लेवल पर एग्जीक्यूटिव कमेटी बना सकती है जिससे इंप्लीमेंटेशन और अगर फीडबैक अगर चाहिए तो वो सब चीज़ें जो है मिल सके। सी एस एस बी वुड ओवरसी एंड रिव्यू मॉडिफाई द इनिशिएटिव। और यहाँ पे जो आपकी सी एस एस बी कमेटी थी कस्टमर सर्विस कमेटी, तो वो अगर कुछ रिव्यू चाहिए कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो सब इसमें करेगी। तो मतलब ये ब्रिज का काम करेगी किनके बीच में, अलग अलग बैंकों के डिपार्टमेंट और जो बोर्ड और कस्टमर सर्विस कमेटी थी, ये जो आपकी कस्टमर सर्विस, तो इसके बीच में और अलग अलग बैंकों के जो डिपार्टमेंट है उसके बीच में ये बोर्ड के ब्रिज के तौर पर जो है काम करेगी। और अगर उसके चेयरमैन की बात करो, ये जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है मे बी चेयर्ड बाय सी एम डी ई डी और नॉन ऑफिशियल इसके मेंबर्स भी हो सकते हैं। तीसरा आता है ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी। ये दो हम पढ़ चुके हैं, हम तीसरा देख रहे हैं ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी। एट ऑल ब्रांचेस, हर ब्रांचेस में कस्टमर सर्विस कमेटी होनी चाहिए, बी इन प्लेस फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन, ताकि बैंक और कस्टमर के बीच में जो है फॉर्मल वे में जो है कम्युनिकेट किया जा सके। एंड इट शुड बी स्ट्रेंथ विद ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट। तो कस्टमर का जैसा था इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इस कमेटी में एटलीस्ट एक सीनियर सिटीजन भी होना चाहिए और इसका जो मीटिंग है एटलीस्ट वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार इसका मीटिंग होना चाहिए। जो कमेटी है इनकी बात की जा रही है ताकि कंप्लेन्स, कोई सजेशन है, कुछ डिले हो गई, कोई डिफिकल्टी कस्टमर को फेस करनी पड़ रही है, तो वो सारे इशूज यहाँ पे रिजॉल्व किए जा सके। द ब्रांच लेवल कमेटी शुड सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट्स गिविंग इनपुट टू स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस। तो ये क्या करेगी, जो ब्रांच लेवल कमेटी है ये जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है क्वार्टरली बेसिस पे उसको रिपोर्ट भेजेगी कस्टमर सर्विस किस तरह से दी गई, और कोई अगर फीडबैक है कोई पॉलिसी को चेंज को लेकर या नेसेसरी एक्शन को लेकर, तो वो फीडबैक भी जो है ये किसको भेजेगी, ये आपकी स्टैंडिंग कमेटी को भेजेगी। लास्ट आता है आपका चौथा नोडल डिपार्टमेंट। तीन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम ये वाला देखेंगे नोडल डिपार्टमेंट। ईच बैंक शुड हैव अ नोडल डिपार्टमेंट ऑफिशियल फॉर कस्टमर सर्विस इन हेड ऑफिस। तो हर बैंकों के हेड ऑफिस में एक नोडल डिपार्टमेंट होना चाहिए एंड ईच कंट्रोलिंग ऑफिस, हेड ऑफिस और कंट्रोलिंग ऑफिस में एक नोडल डिपार्टमेंट होना चाहिए विद हुम कस्टमर्स विद ग्रीवेंसीज कैन अप्रोच। तो अगर कस्टमर को कोई कंप्लेन है तो वो सीधे यहाँ पे जाके कर सकते हैं एंड विद हुम, ताकि जो ऑम्बड्समैन और आरबीआई है वो उसके साथ तालमेल बना के जो है कस्टमर का रिजोल्यूशन करे जो भी इनका इशू है। ठीक है, तो चार तरह की कमेटी के बारे में हमने मेन मेन पढ़ लिया। तो पहले तो ये मेन कमेटी है जो कि पॉलिसी बनाने का काम करती है, स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटी होती है और ये एक तरह से ब्रिज का काम करती है कस्टमर के बीच में और जो कमेटी है इसके बीच में। तीसरा ब्रांच लेवल, हर ब्रांच में कमेटी होनी चाहिए, मंथ में एक बार एटलीस्ट इसका मीटिंग होना चाहिए, क्वार्टरली इसको जो डेटा है रिव्यू का डेटा ये इसको स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहिए। और लास्ट आता है नोडल डिपार्टमेंट कस्ट, ये मतलब हर जो है हर बैंक में हर हर बैंक का एक अपना हेड ऑफिस या कंट्रोलिंग ऑफिस में एक जो है डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसको हम नोडल डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, और ये कस्टमर के ग्रेवेंसेस को देखेगी सीधे, जो कस्टमर है यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं और जो है ये ओम्बड्समैन और आरबीआई के साथ तालमेल बना के कस्टमर का जो है रिजोल्यूशन करने का काम करेगी। नेक्स्ट आता है बोर्ड अप्रूव पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विसेज। तो बोर्ड के द्वारा एक पॉलिसी होनी चाहिए जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अप्रूव करनी चाहिए। ठीक है, ये सर ये जो बोर्ड के द्वारा जो पॉलिसी होनी चाहिए ड्यूली अप्रूव बाय देयर बोर्ड्स और पर्टेनिंग टू, तो उसमें क्या कस्टमर सर्विसेज के रिगार्डिंग चीज़ें होनी चाहिए और कस्टमर को अलग अलग मोड्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन देना है कि क्या क्या सर्विसेज उनको दी गई है और कैसे कैसे अगर उनको कोई कंप्लेन है तो वो सब चीज़ें किस तरह से रिजॉल्व की जाएगी। देयर शुड बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट। तो ये सारी चीज़ें जो बोर्ड अप्रूव जो पॉलिसी बनाई गई है उसको प्रॉपर वेबसाइट में या नोटिस बोर्ड जो ब्रांचेस आप लगा सकते हो तो वहाँ पे आप बता सकते हैं। अ कस्टमर शुड बी अप्रेस्ड ऑफ दिस एंड व्हेन एस्टैब्लिशिंग एन एनी ऑफ द चेंजेस। अगर कोई भी किसी भी चीज़ में चेंज आता है तो कस्टमर को उसके बारे में इन्फॉर्म करना है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी, डिपॉजिट को लेकर किस तरह से पॉलिसी, चेक कलेक्शन की पॉलिसी और कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी और कस्टमर ग्रीवेंसेस
रिड्रेसल पॉलिसी। तो ये चार तरह की पॉलिसी की यहाँ पे बात की, अब उन्हीं चारों को यहाँ पर नीचे डिटेल में डिस्कशन दिया। तो पहले वन से शुरू करते हैं। पहला आता है कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी। बैंक हैव ए ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर राइट ऑफ डिपॉजिटर। तो जो डिपॉजिटर है, जो पैसा बैंकों में जमा करते हैं, जिनका सेविंग अकाउंट है, तो उनको लेके प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी है इन जनरल एंड स्मॉल डिपॉजिटर। तो जो जनरल डिपॉजिटर है या जिनका बहुत छोटा अमाउंट में डिपॉजिट है, उसको लेके जो एक ट्रांसपेरेंट और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बैंकों को बनानी है। इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए कि किस तरह से डिपॉजिट अकाउंट को ऑपरेशन किया जाएगा, कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, और भी कोई इश्यू जब अगर कस्टमर को मालूम होना चाहिए तो वो सब चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए। दूसरा आता है चेक कलेक्शन पॉलिसी। बैंकों की एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए कलेक्शन ऑफ चेक्स को लेके। फॉर दैट शुड कवर द फॉलोइंग। इसमें मिनिमम तीन एस्पेक्ट कवर होने चाहिए। इमीडिएट क्रेडिट फॉर लोकल, अगर लोकल या आउटस्टेशन चेक्स है तो इमीडिएट उसका क्रेडिट होना चाहिए। टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन, कि अगर आप चेक्स लोकल या आउटस्टेशन चेक इंस्ट्रूमेंट जो कि एक आपका चेक ही है, तो उसको आप कलेक्ट कर रहे हो तो कितने टाइम में ये होगा। इंटरेस्ट पेमेंट फॉर, अगर आप डीले कर रहे कलेक्शन में, तो उसके लिए जो डीले पीरियड है उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना रहता है। जनरली जैसे सेविंग बैंक +2% ऐसे इंटरेस्ट रेट रहता है, पर बैंक टू बैंक ये वेरी भी कर सकता है। चेक कलेक्शन के बाद तीसरी आपकी पॉलिसी आती है कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी। बैंकों को एक प्रॉपर कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए। दैट शुड बी बेस्ड ऑन द मॉडल पॉलिसी। तो आईबीए ने ऑलरेडी मॉडल पॉलिसी बना रखी है, तो उसके ऊपर जो है उसके हिसाब से आपको कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी बनानी है। इसमें ये सारे एस्पेक्ट कवर होने चाहिए। एरोनियस डेबिट ड्यू टू फ्रॉड, मान लीजिए कोई फ्रॉड हो गया या कोई ट्रांजेक्शन हो गया, इसकी वजह से आपने कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर दिया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले इन कलेक्शन, आपने कलेक्शन देरी से किया तो उसमें जो इंटरेस्ट है आप उसके लिए इंटरेस्ट कस्टमर को पे करोगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले इन इशू, अगर आपने डुप्लीकेट ड्राफ्ट इशू करने में देरी की तो उसके लिए भी आप अपना कस्टमर को उस टाइम के लिए जो है इंटरेस्ट पे करोगे। लास्ट है अदर अनऑथराइज एक्शन ऑफ बैंक लीडिंग टू फाइनेंशियल, या कोई भी और ऐसे अनऑथराइज चीज बैंक ने की जिससे कस्टमर को जो है लॉस हो गया। तो इन सबको लेके जो है कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी में सब कुछ डिटेल दिया गया होगा। चौथा और लास्ट आपका आता है कस्टमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल पॉलिसी। बैंक मस्ट हैव ए वेल डॉक्यूमेंटेड कस्टमर ग्रीवेंसेस। तो बैंकों की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, मतलब कोई भी कंप्लेन है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, तो उसको लेके भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए। तो चार तरह की यहाँ पे मेन मेन पॉलिसी की बात की। डिपॉजिट पॉलिसी में डिपॉजिटर के क्या क्या राइट है, किस तरह से उनको चार्ज ये सब लगेगा, तो वो सब उसको इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए। कलेक्शन चेक को लेके, कलेक्शन को लेके जो है पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि इमीडिएट क्रेडिट करेंगे अगर लोकल या आउटस्टेशन चेक है, टाइम फ्रेम क्या होगा चेक कलेक्शन का, इंटरेस्ट अगर आप डिले कर रहे हैं चेक कलेक्शन में तो इंटरेस्ट आप किस तरह से पे करेंगे। कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी, तो इसमें बताया गया कि अगर बैंक ने गलती से कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर दिया या फ्रॉड के थ्रू या कोई कलेक्शन में देरी हुई, तो कस्टमर को इंटरेस्ट किस तरह से पे करना है। डुप्लीकेट ड्राफ्ट अगर बैंक इशू करने में देरी कर रहा है तो उसमें कस्टमर को किस तरह से इंटरेस्ट पे करना है, एक्स्ट्रा जो बैंकों का जो मिस्टेक की वजह से, मतलब बैंकों ने लेट किया तो उसकी वजह से कस्टमर को कंपनसेशन किस तरह से देना है, या और भी कुछ अनऑथराइज एक्शन किया गया तो जिससे कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस हुआ तो उसका कंपनसेशन किस तरह से होगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होगी। और ग्रीवेंसेस में कस्टमर की सारी जो कंप्लेन है उसका किस तरह से रिजोल्यूशन किया जाएगा, तो ये सब चीज़ें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में इस पॉलिसी में दी गई होगी। नेक्स्ट आता है पॉलिसी फॉर जनरल मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस। बैंकों की प्रॉपर बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह से ब्रांचेस में क्या क्या चीज़ें मैनेजमेंट किस तरह से काम करना चाहिए। पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, वहाँ पे फर्नीचर भी होना चाहिए, पीने का पानी और पेंशनर के लिए प्रॉपर स्पेशल फैसिलिटी, सीनियर सिटीजन को या डिसेबल पर्सन को इनवायरमेंट वहाँ पे क्लीन होना चाहिए। इंक्वायरी काउंटर होना चाहिए ब्रांचेस पे, अलग अलग लैंग्वेजेस में जो इंडिकेटर होने चाहिए हर काउंटर पे, और जो स्टाफ है वहाँ के जो ऑफिशियल है वो कस्टमर को जो है इंश्योर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एम्प्लॉय एंड हेल्पिंग कस्टमर। अगर कस्टमर को ट्रांजेक्शन में या कहीं भी सपोर्ट चाहिए तो वो स्टाफ या ऑफिशियल को पूरा सपोर्ट देना चाहिए। और सर्विसेज और फैसिलिटीज को लेके जो है बुकलेट्स इसमें होनी चाहिए। हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में जो है कस्टमर के साथ बिजनेस करना, यानी जो वाउचर्स होते हैं जिसके थ्रू जैसे विड्रॉल चलान हो गया DD, तो वो हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। रिव्यूइंग एंड इंप्रूविंग द सिक्योरिटी सिस्टम, तो सिक्योरिटी सिस्टम जो है इंप्रूव करते रहना चाहिए और टाइम टू टाइम रिव्यूअल उसका होना चाहिए कि किस तरह से वो काम कर रही है, कस्टमर को सर्विस किस तरह से देते हैं उसको लेकर स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। हेड ऑफिस या कंट्रोलिंग ऑफिस से जो है वो इंस्पेक्शन के लिए आने चाहिए और वो चेक करे कि किस तरह से जो है कस्टमर सर्विसेज दी जा रही है। कस्टमर सर्विस ऑडिट और कस्टमर को लेकर सर्वे भी होना चाहिए। सर्वे में कुछ नहीं होगा, कस्टमर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितना वो सेटिस्फाई है कस्टमर जो है बैंक के सर्विसेज से, तो उस तरह के सर्वे भी कंडक्ट कराने चाहिए। और कस्टमर के प्रॉपर रिलेशन प्रोग्राम या मीटिंग होनी चाहिए ताकि अलग अलग सेक्शन के कस्टमर से आप उनके क्वेरीज को समझ सकें। हैविंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस अप्रूवल प्रोसेस दैट स्टिपुलेट बोर्ड अप्रूव्ड ऑन इशू विच कंप्राइज द राइट। तो कोई भी अगर नया प्रोडक्ट बना, अगर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज अप्रूवल प्रोसेस दे रहे हैं तो प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस भी होना चाहिए कि जो पॉलिसी है वो प्रॉपर
काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक मैनेजमेंट ऑपरेशन में आपका आ गया। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये चार वाले पॉइंट थोड़ा सा देख सकते हैं नाम से, और ये चार पॉइंट यही है, और ये तो हमने ऐसे रीड किया वैसे तो, पर इतना खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट आता है एटीएम ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस रिलेटेड टू एटीएम ऑपरेशन हैव गेन सिग्निफिकेंस। तो एटीएम ऑपरेशन को लेके किस तरह से कस्टमर सर्विस क्या क्या इसमें होना चाहिए, तो इसमें आपके 6-7 पॉइंट बताए, तो 7ों पॉइंट को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। फ्री ट्रांशन्स आर एटीएम, तो आप जानते हैं कि कुछ ट्रांशन्स फ्री है और उसके बाद जो है वो चार्ज लगता है, ठीक है। 5 जो है फ्री ट्रांशन बैंक जनरली अपने कस्टमर को देता है हर महीने, और अदर बैंक में भी जैसे है उस पर भी आपका, अगर मेट्रो है तो 3 ट्रांशन्स और 5 ट्रांशन ऑन नॉन मेट्रो, नॉन मेट्रो जो सेंटर्स है वहाँ पे 3, और जो है सॉरी मेट्रो में 3 ट्रांशन्स और नॉन मेट्रो में 5 ट्रांशन बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। उससे ज़्यादा ट्रांशन होगी तो बैंक आपका ट्रांशन फी या चार्ज जो है लेगा, और ये आपका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांशन को मिला के आपका होता है टोटल 5। नेक्स्ट आता है ट्रांशन एंड एटीएम पिन वैलिडेशन फॉर एवरी सक्सेसिव ट्रांजेक्शन। तो जब भी आप ट्रांशन कर रहे हैं हर बार पिन कोड जो है लेना चाहिए, ताकि पहले क्या था कि मल्टीपल ट्रांशन कर सकते हैं, हर बार वो पिन नहीं पूछता था, लेकिन इससे फ्रॉड ये सब काफ़ी बढ़ गए थे। तो इसी को दूर करने के लिए क्या तरीका है कि जब भी कस्टमर ट्रांशन करेगा हर बार पिन वैलिडेशन मांगेगा, ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी भी करेगा तब भी पिन नंबर आपसे मांगेगा, तो ये चीज़ें जरूरी है। तीसरा लॉजिंग ऑफ एटीएम रिलेटेड कंप्लेन, अगर कस्टमर को कोई कंप्लेन है इसके रिगार्डिंग, तो एटीएम के जो क्योस्क है वहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए क्या मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर ऑफ हेल्प डेस्क या कॉन्टैक्ट पर्सन, कि एटीएम का जो बैंक है जिस बैंक का एटीएम है तो वहाँ पे कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, या कोई असिस्टेंट चाहिए तो कॉल करके असिस्टेंस ले सकते हैं। यूनिफॉर्म टेम्पलेट प्रिस्क्राइब बाय आरबीओ फॉर लॉजिंग ऑफ कंप्लेन रिलेटेड टू एटीएम, अगर एटीएम के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन करनी तो एक कॉमन जो टेम्पलेट है हर जगह आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है मेजर टू इन्हांस एफिशिएंसी इन एटीएम ऑपरेशन, तो इस तरह के मेजर्स करने चाहिए ताकि एटीएम ऑपरेशन में काफ़ी एफिशिएंसी बढ़े। मैसेज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, अगर मान लीजिए कैश नहीं है ट्रांजेक्शन से पहले से ही जो है वो मैसेज शो होना चाहिए, और टू डिस्प्ले एटीएम आईडी इन द एटीएम प्रमाइसिस, तो एटीएम आईडी क्या है एटीएम प्रमाइसिस में वो मेंशन होना चाहिए। कंप्लेन फॉर्म विद नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ ऑफिशियल टू बी अवेलेबल, कहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो वो कंप्लेन फॉर्म मोबाइल नंबर और नाम जो है ऑफिशियल का वहाँ पे अवेलेबल कराना चाहिए। सफिशेंट टोल फ्री फोन नंबर्स फॉर लॉजिंग कंप्लेंट रिपोर्टिंग, अगर मान लीजिए कोई कार्ड चोरी हो गया ब्लॉक हो गया तो उसको उसके लिए टोल फ्री नंबर होना चाहिए, और सफिशेंट मतलब टोल फ्री नंबर्स होने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही नंबर दिया हुआ और हमेशा वो बिजी जा रहा है, इस तरह का इशू नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऑफ कस्टमर भी रजिस्टर्ड टू सेंड अलर्ट, कस्टमर जब भी आता है एटीएम इस तरह की रिक्वेस्ट के लिए कि नया एटीएम इशू कर दो, तो जनरली आपको उसको जो है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होना चाहिए रजिस्टर्ड, ताकि जब भी कोई ट्रांशंस होगी तो अलर्ट के थ्रू आप उसको इन्फॉर्म कर सके। टू इन्फॉर्म कस्टमर फेल ट्रांशंस कंप्लेंट मस्ट बी लॉज विद द कार्ड इशिंग बैंक, कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि कोई भी एटीएम ट्रांशंस फेल है, फेल मतलब अकाउंट से पैसा तो डेबिट हो गया बट उसको कैश नहीं मिला, तो इस तरह के जो ट्रांशंस है जो कार्ड इशिंग बैंक है उसके पास जाना चाहिए, ठीक है, विद कार्ड इशिंग बैंक फॉर ऑल फेल ट्रांजेक्शन। तो जिस बैंक ने आपका कार्ड इशू किया तो वहाँ जाकर आप कंप्लेन इसमें कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि फेल ट्रांसफर होता है जिस बैंक का एटीएम है वहाँ पे अगर आप रिक्वेस्ट देते तो वो बैंक आपको रिटर्न, जैसे मान लीजिए कस्टमर के पास कार्ड है आईसीसी का लेकिन वो एसबीआई के एटीएम से ट्राई कर रहा था पैसा विड्रॉ नहीं हो पाया, तो बैंक उधर एसबीआई की ब्रांच में जाकर भी अगर कंप्लेन देता है तो वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, जनरली ऐसा ही करना चाहिए। नेक्स्ट स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट, अब जो एटीएम कई बार ऐसे होते हैं कि उसमें पैसा ही नहीं है, बहुत से एटीएम आपने देखे होंगे कि एटीएम मशीन तो है बट पैसा उसमें जनरली नहीं रहता है, और कुछ व्हाइट लेवल एटीएम भी होते हैं और नॉर्मल बैंकों के एटीएम भी होते हैं। ये बैंक एटीएम और व्हाइट लेवल एटीएम होता क्या, बैंक एटीएम आपका जो जैसे मान लीजिए बैंक एटीएम के बाहर आपका नाम लिखा होगा जैसे एसबीआई आईसीसी ऐसे नाम होगा, लेकिन व्हाइट लेवल एटीएम में कोई भी किसी बैंक का नाम नहीं होगा, इसमें पैसा भरने का जिम्मेदारी जो है आउटसोर्सिंग का ही रहता है सारा कुछ, ठीक है, सारी चीज़ें आउटसोर्सिंग रहती है और बैंक इसको कमीशन जो है पे करता है इस सर्विसेज के लिए, मतलब ये 100% आउटसोर्सिंग सर्विस रहती है एटीएम की, वो ये आपका व्हाइट लेवल एटीएम। और व्हाइट लेवल और नॉर्मल बैंकों के एटीएम में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, अगर आप किसी बैंक के एटीएम में जाएंगे अगर एसबीआई का है तो एसबीआई लिखा हुआ, आईसीआईसी का आईसीआईसी, बैंकों के नाम लिखे होंगे, लेकिन व्हाइट लेवल एटीएम में किसी भी बैंक का आपको नाम नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि जो है किसी वो बैंक का ओन्ड नहीं होता, या आउटसोर्सिंग के द्वारा ओन किया जाता है। तो दोनों ही एटीएम चाहे बैंक हो या व्हाइट लेवल, अगर उनका सिस्टम जो है सही होना चाहिए ताकि कैश हमेशा उसमें अवेलेबल रहना चाहिए, प्रॉपर टाइमली कैश का रिप्लेनिशमेंट करना है। अगर मान लीजिए किसी भी एटीएम में पैसा नहीं है तो उस केस में आपको पेनल्टी लगाना चाहिए, इसमें बोला है कि अगर 1 महीने में 10 घंटे से ज़्यादा ऐसा होता है कि पैसा नहीं था, ठीक है, आउट ऑफ कैश, तो उस केस में पेनल्टी आप लगा सकते हैं 10,000 पर एटीएम, एक एटीएम में 10,000, इस तरह से जो है पेनल्टी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, ये इसमें पेनल्टी की बात की। पेनल्टी से क्या होगा कि बैंक हमेशा जो उसमें पैसा जो है रखने की कोशिश करेंगे, मतलब एटीएम आउट ऑफ कैश इस तरह से नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग एटीएम फेल्ड ट्रांजेक्शन,
तो जैसे मान लीजिए एटीएम फेल ट्रांजेक्शन हुआ, एक तो बैंक हो गया जिसने कार्ड इशू किया, ठीक है, और एक होगा अक्वायरिंग बैंक। कार्ड इशूइंग बैंक क्या होगा, जैसे मान लीजिए कस्टमर आईसीसी बैंक का कस्टमर है और अपना आईसीसी कार्ड लेके गया, तो ये इशूइंग बैंक हो गया इसमें आईसीसी। वो जा कहाँ पे रहा है, एक एसबीआई बैंक का एटीएम है, वहां जाके वो पैसा विड्रॉ करने के लिए जा रहा है, तो ये एटीएम किसका, एसबीआई का। तो एसबीआई कौन सा हो गया, एक्वायरिंग बैंक हो गया, ठीक है। तो इशूइंग जिसने कार्ड इशू किया, एक्वायरिंग बैंक जिस बैंक का एटीएम इस्तेमाल कर। तो कई बार ये आईसीसी और एसबीआई इनके बीच में जो डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसके बारे में बात की गई कि अगर एटीएम का ट्रांजेक्शन फेल हुआ, मतलब उसके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया बट इधर से जो कैश नहीं मिला, तो उसको लेके किस तरह से सेटलमेंट की जाएगी, उसके बारे में बोला। दे शुड बी सेटल्ड बाय द इशूइंग बैंक एंड एक्वायरिंग बैंक थ्रू द एटीएम सिस्टम्स प्रोवाइडर ओनली। जो एटीएम सिस्टम प्रोवाइडर है उसके थ्रू इनको ही जो सेटलमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिकन्सिलेशन। अगर मान लीजिए एटीएम फेलियर हुआ, उसका एक टाइम लिमिट है, टाइम कितना, T+5। तो कस्टमर को बैंक, आरबीआई ने बैंकों को एडवाइस किया कि अगर रॉन्गफुल डेबिट होता है कस्टमर के अकाउंट से, या अगर कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो गया बट पैसा उसको नहीं मिला, तो उसके इसमें T+5 वर्किंग डे के अंदर जो है रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए। अगर इसमें डिले होगा तो ₹100 पर डे के हिसाब से बैंक को पे करना पड़ेगा। तो T+5 डेज आपका टाइमिंग इसमें है। डिले होगा तो पर डे के हिसाब से आप ₹100 एक्स्ट्रा उसको पे करेंगे, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट होगी, कई बार पूछते हैं कि डिले के लिए कितना चार्ज लगता है, तो ₹100 पर डे ये आपका इंपॉर्टेंट इसमें हो गया। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इशूज एंड रिस्क मिटिगेशन मेजर्स। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इशू एंड रिस्क मिटिगेशन विद इंक्रीजिंग। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट आने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स हैं, तो इससे साइबर फ्रॉड ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके का रिस्क काफ़ी बढ़ रहा है, और बहुत से कस्टमर तो अभी क्या है, टैक्स सेवी, मतलब ज़्यादा वो कंप्यूटर्स फ़ोन ये सब ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं जानते, और उनको साइबर रिस्क के बारे में भी नहीं पता। अभी भी मान लीजिए कोई लेबर है और उसका अकाउंट क्या है, मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, उसको कोई कॉल करके बोलेगा कि ये एक ओटीपी है इस तरह से, तो वो जनरली शेयर कर देते हैं, उनको नहीं मालूम कि उनके ओटीपी शेयर करने से उनका पूरा अकाउंट जो है खाली हो सकता है। आरबीआई ने जो है कुछ जो है सिक्योरिटी मेजर्स बैंकों को बताया जो कि बैंकों को लेने चाहिए। पहले ऑनलाइन अलर्ट फॉर यूज, जब भी क्रेडिट या डेबिट के कोई ट्रांसफर्स हो रही है तो आपको उसको अलर्ट भेजना है, ठीक है, टू रिड्यूस, ताकि कोई स्टॉलन कार्ड्स को कोई इस्तेमाल ना कर सके गलत पर्पज़ के लिए। तो इसीलिए जब भी कोई ट्रांसफर्स होगी तो आपको उसको जो है ऑनलाइन अलर्ट भेजना होगा। सेकेंड है कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन। बैंक मस्ट हैव सिस्टम ऑफ एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन बेस्ड ऑन कार्ड इन्फॉर्मेशन। तो बैंकों का जब भी आप कस्टमर से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल ऑथेंटिकेशन फैक्टर उसमें होना चाहिए, तभी आपका वैलिडेशन होना चाहिए पूरा, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कार्ड में विजिबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कई बार ईमेल में आपका ओटीपी आता है या मोबाइल नंबर में ओटीपी आता है, तो वो एक एक्स्ट्रा वैलिडेशन के तौर पे काम करते हैं। तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। दिस शुड बी इन टू ग्रुप, यहाँ पे दो आ जाएंगे, एक तो होता है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और दूसरा आएगा फेस टू फेस पेमेंट ट्रांजेक्शन, और ये सेफ और सिक्योर वे में जो है काम करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या कर सकता है बैंक रिस्क मिटिगेशन के लिए, कस्टमर को जो है लिमिट का ऑप्शन हो कि अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है वो इस लिमिट तक वो जो है ट्रांजेक्शन कर सकेगा, तो और उससे ज़्यादा अगर जो है जैसे कितने बेनिफिशियरी को ऐड कर सकता है एक दिन में, तो उसको लेके भी लिमिट होना चाहिए, और एक अलर्ट मिलना चाहिए बैंकों को मैसेज के थ्रू कि बेनिफिशियरी जो है ऐड हो गया, और पर डे कितनी ट्रांजेक्शन हो गया, कितने बेनिफिशियरी के थ्रू आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो, उस चीज़ को लेकर भी जो है लिमिट होना चाहिए। अलर्ट फॉर सस्पिशियस ऑपरेशन विद इन द बैंक, कोई भी अगर सस्पिशियस आपको ट्रांसफर लगता है जैसे कोई फेल्ड अटेम्प्ट, तो उसको आप मैसेज के थ्रू मेल के थ्रू जो कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे। ये सारे इसमें मेन मेन इसमें हो गए। और जब भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके लिए आपको SMS अलर्ट या ईमेल अलर्ट ये सभी जो भेजना रहता है। डिजिटल सिग्नेचर, जो हाई वैल्यू ट्रांसफर है उसमें हम डिजिटल सिग्नेचर वाला जो है और सिक्योरिटी मोड आप रख सकते हैं। आईपी एड्रेस को कैप्चर करना, या जब भी आप अलर्ट होगा तो कोई भी रजिस्ट्रेशन होगा तो SMS या ईमेल के थ्रू जो है अलर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर इन अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो मान लीजिए कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो गई, कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन होगी, तो कस्टमर का लाइबिलिटी लिमिटेड होगा। तो इसमें बोला है कस्टमर की जीरो लाइबिलिटी होगी कब, इफ देयर इज फ्रॉड नेग्लिजेंस डेफिशिएंट। अगर बैंकों की गलती की वजह से कोई फ्रॉड हुआ तो कस्टमर का कोई लाइबिलिटी नहीं, उसमें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बैंक का होगा। दूसरा, इफ़ देर इज थर्ड पार्टी ब्रिज एंड देर इज नो डेफिशिएंसी, मतलब किसी थर्ड पार्टी के गलती की वजह से ऐसा हुआ है और कस्टमर का भी कोई गलती नहीं और बैंक का भी नहीं है, इस केस में जो कस्टमर है उसको 3 दिन के अंदर अंदर बैंकों को इन्फॉर्मेशन देनी होगी इसके रिगार्डिंग। द कस्टमर विल बी लाइबल फॉर द लॉस इफ इट हैज इफ इट इज ड्यू टू हर नेग्लिजेंस अंटिल शी रिपोर्ट। अगर वो बैंकों को नहीं रिपोर्ट कर रहा, ठीक है, उसकी गलती से हुआ और बैंकों को रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसमें जो कस्टमर जो है अथॉरिटी माना जाएगा, कस्टमर का लाइबिलिटी इसमें माना जाएगा। लेकिन कस्टमर को आपने इन्फॉर्म कर दिया, बैंक को आपने इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद कोई लॉस होगा तो उसमें बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाएगा। और
यहाँ पे 3 दिन का टाइम हमें दिया था ना कि अगर 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म करता है, अगर मान लीजिए डिले हो जाता है, कस्टमर देरी से इन्फॉर्म करता है, 4 to 7 वर्किंग डेज के अंदर कस्टमर अगर इन्फॉर्म कर रहा है, 3 दिन से ज़्यादा, 4 to 7 डेज, तो कस्टमर का लाइबिलिटी लिमिट होगा, मतलब एक लिमिट है, उस लिमिट तक कस्टमर का लाइबिलिटी होगा, और ये पर ट्रांजेक्शन लाइबिलिटी है, वो आपको लिमिट नीचे दिया गया। अगर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो उसका मैक्सिमम लाइबिलिटी 5,000 तक हो सकता है, बाकी के सेविंग बैंक, गिफ्ट कार्ड, जो आपके कैश करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, या जिसमें लिमिट 25 लाख तक का है, या क्रेडिट कार्ड लिमिट अप टू 5 लाख, तो इन सब में 10,000 का लाइबिलिटी होगा। और बाकी के कैश क्रेडिट अगर अकाउंट है, या क्रेडिट कार्ड विद लिमिट्स अबव 5 लाख से, 5 लाख से ऊपर, 5 लाख तक का तो 10,000, 5 लाख से ऊपर है तो 25,000। तो ये 3 लिमिट आप लोग याद रख लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अगर 7 दिन से भी देरी हो गया तो, यहाँ पे 4 से 7 दिन बोला था ना, अब उससे ज़्यादा देरी हो गया तो, फॉर डिले इन रिपोर्टिंग, अब कस्टमर 7 दिन से ज़्यादा हो गया रिपोर्ट करने नहीं आए, कस्टमर लाइबिलिटी विल बी डिटरमाइन एज पर, तो उसके इसमें बैंकों की एक पॉलिसी है, बोर्ड के द्वारा अप्रूव पॉलिसी, तो उस हिसाब से कस्टमर का लाइबिलिटी इसमें होगा। बैंक एट देयर डिस्क्रिप्शन डिसाइड टू वेव ऑफ एनी कस्टमर लाइबिलिटी, अगर बैंकों को लगता है कि कस्टमर का कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो उसमें बैंक जो है अपने हिसाब से उसको वेव ऑफ भी कर सकता है। द क्रेडिट शुड बी वैल्यूडेटेड एज ऑफ कम्युनिकेशन टू अनदर। ठीक है, चलिए, यहाँ आपका लाइबिलिटी वाला जो टॉपिक है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो लाइबिलिटी में मेन मेन क्या क्या चीज़ें, किस तरह से, यहाँ पे 4 तरह की जो है लाइबिलिटी के बारे में बताया गया। नेक्स्ट आपका हेडिंग है सर्विस एट द काउंटर, इसको हम लोग पार्ट 2 से करेंगे डिस्कस, क्योंकि 20-25 मिनट कम से कम आपको ये टॉपिक में लगेगा, तो पार्ट 2 से करेंगे। अब इस जो हमने पार्ट 1 में किया है, इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, वैसे ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि इसको कुछ रिवाइज किया जाए, पर थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो कस्टमर सर्विस मतलब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी है, और प्रोफेशनल वे में कस्टमर को बैंकिंग सर्विसेज देना, तो वही हमारा होता है कस्टमर सर्विस। RBI ने प्रॉपर इसको लेके गाइडलाइंस दी है, और कस्टमर सर्विस मतलब इसमें 4 तरह से जो है, 4 चीज़ों पर फोकस करने के लिए बोला है। पहला आपका आता है मतलब 4 तरह की जो कमेटी बनाई जा सकती है और वो कस्टमर की सर्विसेज को देखेगी। पहला आता है कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ बोर्ड, स्टैंडिंग कमेटी, ब्रांच लेवल कमेटी और नोडल डिपार्टमेंट। कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ बोर्ड क्या होगा, ये कमेटी होगी और इसमें आपके कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और एक्सपर्ट्स भी होंगे, तो ये पॉलिसी कस्टमर की अच्छी सर्विसेज किस तरह से दी जाए उसको लेकर पॉलिसी बनाने का काम करेगी। स्टैंडिंग कमेटी तो एक परमानेंट बैंकों की कमेटी होगी और ये ब्रिज का काम करेगी कस्टमर के बीच में, और ये जो आपकी कमेटी इसके बीच में ब्रिज का ये काम करेगी। तीसरा था ब्रांच लेवल कमेटी, तो ब्रांच लेवल हर जो है ब्रांच पे कस्टमर के लेवल पे कमेटी होनी चाहिए, महीने में एटलीस्ट कस्टमर के साथ इस कमेटी का मीटिंग होना चाहिए, और इस कमेटी में एटलीस्ट एक सीनियर सिटीजन भी होना चाहिए, और इसमें जो क्वार्टरली रिपोर्ट कस्टमर को भेजी जाती है, तो आपका ब्रांच लेवल कस्टमर। नेक्स्ट आता है आपका नोडल डिपार्टमेंट, और नोडल डिपार्टमेंट का मतलब होगा कि हर बैंकों का अपना हेड ऑफिस या कंट्रोलिंग ऑफिस पे एक डिपार्टमेंट काम करेगा, वो है आपका नोडल डिपार्टमेंट, और जहाँ पे कस्टमर जो है अपनी कोई भी कंप्लेन को लेकर जो है अप्रोच कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका बोर्ड अप्रूव पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस, तो बोर्ड के द्वारा अप्रूव पॉलिसी किस तरह से काम करेगी, तो उसमें 4 आपका, पहला कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट, चेक कलेक्शन पॉलिसी, कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी और कस्टमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल पॉलिसी। तो बोर्ड के द्वारा अप्रूव की जाने वाली पॉलिसी होनी चाहिए, और ये भी कस्टमर के सर्विसेज जो कस्टमर को हम दे रहे हैं उसको लेके क्या पॉलिसी, उसके बारे में बात की गई, जैसे कौन कौन से प्रोडक्ट हम उनको ऑफर कर रहे हैं। डिपॉजिट पॉलिसी, तो ये ट्रांसपेरेंट और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए, और किस तरह से डिपॉजिटर्स के राइट है वो सब चीज़ें इस पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। चेक कलेक्शन की, बैंक चेक को किस तरह से कलेक्ट करेगा उसके लोग, एक ट्रांसपेरेंट और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा ठीक है वो मेंशन होना चाहिए इस पॉलिसी में, कितना इंटरेस्ट पेमेंट करेगा अगर बैंक डिले कर रहा है कलेक्शन में, या इमीडिएट पेमेंट करेगा अगर लोकल या आउटस्टेशन चेक का, तो ये सभी चीज़ें पॉलिसी में ट्रांसपेरेंट वे में और कॉम्प्रिहेंसिव वे में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी, तो बैंकों की कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए, और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए, कोई फ्रॉड होता है उसकी वजह से कोई डेबिट हुआ, या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले इन कलेक्शन, अगर कलेक्शन में देरी हुई तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ गया उसको लेके, और अगर आपने डुप्लीकेट DD, डुप्लीकेट ड्राफ्ट अगर आपने इशू करने में देरी की, तो कस्टमर को जो इशू हुआ तो उसके लिए आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा, या कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुई और जिससे कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो इन सबको लेके कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी में सब कुछ डिटेल में होना चाहिए। कस्टमर ग्रेवेंसेस, कस्टमर कोई कंप्लेन करना चाहे तो उसके लिए की सारी चीज़ें कस्टमर ग्रेवेंसेस में होनी चाहिए। पॉलिसी और जनरल मैनेजमेंट को लेके भी पॉलिसी होनी चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, मतलब वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और सुविधाएं सीनियर सिटीजन को, पेंशनर को या डिसेबल को, क्लीन इन्वायरमेंट वहाँ पे होना चाहिए, और वहाँ पे आपके जो काउंटर है रिसेप्शन काउंटर वहाँ पे मेंशन होना चाहिए सारा कुछ, इंक्वायरी काउंटर्स और जो भी इंडिकेटर्स है वो क्लियर कट मेंशन होने चाहिए, और अगर आपकी कोई भी जैसे वाउचर्स, चालान्स, विड्रॉल स्लिप, ये सब जो है मल्टी लैंग्वेज में होनी चाहिए, बुकलेट्स जो है मल्टी लैंग्वेज में होने चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई यहाँ पे। जो स्टाफ है वो कस्टमर को प्रॉपर सपोर्ट दे, ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई है। नेक्स्ट आता है ATM ऑपरेशंस,
तो एटीएम ऑपरेशन के बारे में बात की गई कि फ्री ट्रांजेक्शन, तो जनरली कुछ बैंकों में 3 और 5 जो है, अगर ओन बैंक है तो 5 और दूसरे बैंक में 3 ट्रांजेक्शन फ्री रहता, तो उसको लेके यहाँ पे बताया गया। पिन वैलिडेशन, हर ट्रांजेक्शन का हर बार पिन नंबर के थ्रू वैलिडेशन करना चाहिए। और कोई कंप्लेन है, किस तरह से कंस्टमर कंप्लेन करेगा, तो वो मोबाइल नंबर की कहाँ कंप्लेन करना चाहिए, और एक यूनिफॉर्म टेम्पलेट जो कि हर जगह काम करे हर बैंकों में, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। कैसे एटीएम ऑपरेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, तो ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। और कैश नहीं है तो स्क्रीन में वो चीज़ें पहले से शो करे, और कस्टमर को अगर कंप्लेन करनी है और कौन सा रजिस्टर्ड जो है नंबर, मतलब कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि कोई उसकी ट्रांजेक्शन हो रही है एटीएम के थ्रू, तो सब उसको टाइम टू टाइम अलर्ट मिलता रहे। स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटीएम, तो अगर एटीएम कार्ड में, सॉरी एटीएम मशीन में अगर टाइमली रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कैश शो कर रहा है, तो पेनल्टी बैंकों पे आप लगा सकते हैं 10,000 पर एटीएम, एक एटीएम के ऊपर 10,000 का पेनल्टी। और टाइमिंग भी है कि अगर 1 महीने में 10 घंटे से ज़्यादा एटीएम विदाउट कैश है, नो कैश है, तो उसके इसमें आप 10,000 तक का पेनल्टी ऐसे बैंकों पर लगा सकते हैं पर एटीएम। और डिस्प्यूट रिगार्डिंग एटीएम फेल ट्रांजेक्शन, तो जब एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होती है, तो इश्यूइंग बैंक और जो एक्वायरिंग बैंक है उनको एटीएम सिस्टम प्रोवाइडर के थ्रू जो अपना डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व करना चाहिए। रिकन्सिलेशन, अगर कस्टमर का एटीएम का ट्रांजेक्शन फेल हुआ, तो उसका टाइम है T+5 में आपको उसको रिजोल्यूशन देना है, अदरवाइज 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फाइन इस पर लगेगा। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी इशू एंड रिस्क मिटिगेशन मेजर्स, तो सिक्योरिटी इशू के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन अलर्ट फॉर यूज़, तो जब भी कस्टमर डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है, तो ऑनलाइन अलर्ट आपको कस्टमर को भेजना चाहिए। अगर कस्टमर इन्फॉर्म कर रहा है कि उसका कार्ड चोरी हो गया है, तो उस केस में अगर आप ब्लॉक करना चाहें तो फटाफट आपको करना है, जैसे कार्ड होल्डर आपको इन्फॉर्म करेगा। और 24/7 जो है, अगर कस्टमर को कहीं पे भी कंप्लेन करनी है कार्ड को ब्लॉक करने के रिगार्डिंग, कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन है, तो 24/7 जो है सपोर्ट इसमें होना चाहिए। कार्ड नॉट प्रेजेंट CNP जो ट्रांजेक्शन है, इसमें क्या कर सकते हैं कि जो कार्ड एंड CNP जो ट्रांजेक्शन है, उसमें एडिशनल फीचर ऐड कर सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, ताकि वैलिडेशन एक एडिशनल फीचर से हो सके और वो कार्ड में विजिबल भी नहीं है। जैसे कार्ड का नंबर, CVV नंबर, ये सब कार्ड में विजिबल है, तो जिससे आपका मोबाइल के थ्रू आप SMS भेज रहे हैं, जिससे आप OTP वेरीफाई करके कर रहे हैं, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजेक्शन, तो इसमें दो ग्रुप है, एक आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं, और दूसरा फेस टू फेस आप पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये दो ग्रुप यहाँ पे बात की गई है। तो इसमें रिस्क मिटिगेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें आप लिमिट लगा सकते हैं, बेनिफिशियरी को ऐड कर रहे हैं एक दिन में कितने बेनिफिशियरी को, उसको भी आप लिमिट लगा सकते हैं, जो ट्रांजेक्शन अमाउंट होगा उसको लेके लिमिट लगा सकते हैं, और कोई भी सस्पिशियस अगर एक्टिविटी हो रही तो बैंक कस्टमर को अलर्ट भेजेगा, जैसे कहीं पे ट्राई किया गया था किसी का अकाउंट, मान लीजिए फेल्ड अटेम्प्ट, मतलब कोशिश की गई थी किसी के अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड की, तो बैंक इन्फॉर्म आपको करता है ना मेल के थ्रू कि फेल्ड अटेम्प्ट ट्राई किया गया, तो वो सब चीज़ें आपको टाइम टू टाइम कस्टमर को अलर्ट के थ्रू जो है इन्फॉर्म करनी चाहिए। लिमिटिंग लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर, अगर कोई अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है, तो उसके इसमें लाइबिलिटी किसका होगा, तो इसमें टाइम दिया हुआ है कि अगर जो है बैंक की गलती की वजह से हुआ, तो कस्टमर का कोई लाइबिलिटी नहीं, 100% बैंक है। अगर किसी थर्ड पार्टी का गलती है, और बैंक का भी गलती नहीं, कस्टमर का भी गलती नहीं, किसी थर्ड पार्टी की गलती की वजह से ऐसा हुआ, तो उसमें टाइम है कि 3 दिन तक अगर कस्टमर इन्फॉर्म करता है तो उसका कोई लाइबिलिटी नहीं है, 3 दिन से ज़्यादा यानी 4 दिन से 7 दिन तक करता है तो उसका लाइबिलिटी एक लिमिट तक है, और वो लिमिट भी आपको बता रखा है 4 से 7 दिन। अगर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट है, तो उसका मैक्सिमम लाइबिलिटी 5,000 होगा। सेविंग बैंक, गिफ्ट कार्ड वाले कस्टमर, या फिर आपके जो आपका जिनका लिमिट 25 लाख तक है, उसमें आपका कैश, क्रेडिट, करंट अकाउंट ये सारे आ जाएंगे, तो उसमें 10,000। अगर 5 लाख से ऊपर क्रेडिट कार्ड वाले हैं, तो 25,000 का मैक्सिमम लाइबिलिटी हो जाएगा। ये कब है, 4 से 7 दिन वाला टाइमिंग, मतलब 4 दिन से 7 दिन के बीच में अगर कस्टमर इन्फॉर्म कर रहा है बैंक को, तब। अगर 7 दिन से ज़्यादा देरी होगी, तब उस केस में बैंकों की एक प्रॉपर बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए कि कस्टमर की लाइबिलिटी किस तरह से रहेगी। बैंक चाहे तो ये उसके ऊपर है कि पूरी तरह से कस्टमर की जो लाइबिलिटी उसको पे ऑफ भी कर सकता है, मतलब उसकी कोई भी लाइबिलिटी ना रहे, ये भी बैंक के ऊपर रहती है। चलिए, पार्ट 1 आपका हो गया कंप्लीट, पार्ट 2 से हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सर्विस एट द काउंटर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।